आदाब। आज की खास खास खबरों में, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बदलते तजारती माहौल में बने रहने के लिए नौजवानों को हुनर में महारत के मंत्र दिए। रियासत में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लाजमी खिदमात को अलग रखा गया। रियासत में आज कोरोना के 1385 नए मामलों की तस्दीक और रियासत में मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाब की सूरत हाल संगीन। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुनर में महारत हासिल करना ही तजारत और बाजार के बदलते माहौल में बनाए रखने का फार्मूला है। आलमी योम नौजवान हुनर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को फ़रोग़ हुनर के तई मंत्र भी दिए। एक रिपोर्ट। बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे कहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं, रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के क्या कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और यह अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर बिहार के सभी अजला में आज से 31 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान जरूरी खिदमात को छोड़कर मरकजी और रियासती हुकूमत के सभी दफातर पूरी तरह बंद रहेंगे। छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक,